गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी एंड दिस इज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 13। सो हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, प्लीज चेक। विल कवर इट इन टू वीडियोस एनी हाउ कम व्हाट में। हाँ, तो वी विल कवर एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस टुडे। विल ट्राई टू कवर एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस टुडे। सो शुरू से ही कुर्सियों की पेटियां बांध के चलो और आ जाओ। सारा चैप्टर रिवाइज करना है अपने को। मिसलेनियस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर दिस चैप्टर इज कंसर्न। बाकी होंगे, कई होंगे, मैं कहता हूँ इसलिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि टॉपिक्स इतने ज्यादा नहीं, इसमें टॉपिक्स ज्यादा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्रोबेबिलिटी लैंग्वेज बेस्ड चैप्टर है, लॉजिक बेस्ड चैप्टर है। इसमें लैंग्वेज पहचाननी पड़ती है, क्वेश्चन पढ़ के पहचाना पड़ता है कौन सा टॉपिक है, बेस थ्योरम है कि मल्टीप्लीकेशन थ्योरम है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि रैंडम वेरिएबल है कि बर्नौली ट्रायल्स भी है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड पढ़ो। ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट A and B are two events such that probability of A is not equal to, probability of A तो zero के equal नहीं है। ठीक है, ये तो fix हो गई, ये बात तो fix हो गई। अब आपको क्या निकालना है, B on A, तो simply conditional probability का case है ना। अच्छा, उसके बाद आपको कुछ एक extra चीजें दे रखी है, जैसे A is a subset of B है ना। जैसे पहली given condition, सबसे पहली चीज तो क्या है, probability of A is not equal to zero, this is given. And we are required to find probability of B on A. Tell me by formula ये क्या होता है? मैं अभी बाकी के cases पढ़ ही नहीं रहा हूँ। Yes. तो ये second first exercise का ही question है। Probability of B intersection A divided by probability of A. ये question mark आ गया, ये आपको निकालना है। ये आपको निकालना है। पहला case क्या है? First case is A is a subset of B. A is a subset of B. अब A is a subset of B का मतलब क्या समझे? A is a subset of B. Subset समझते हो? क्या होता है subset? तो इस set देखिए, अगर इस set B equal to 5 है, तो A 1 to 4 हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता, या तो उसके बराबर होगा। लेट्स से कि वेन डायग्राम के थ्रू अगर हम समझें, तो A is a subset of B, जनरली अपन ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये B है और ये A है। या तो ऐसे ड्रॉ करते हैं, या फिर दूसरा केस है कि B और A दोनों बराबर हैं। बराबर में भी एक दूसरे को सबसेट बोला जाता है, यही B है और यही ए है। अभी इसमें भी कह सकता हूँ मैं एज ए सबसेट ऑफ बी, उसमें भी कह सकता हूँ। ठीक है, तो ए इज ए सबसेट ऑफ बी, दैट इज इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, है ना। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी है, सो ये डायग्राम तो हटा दूंगा, है ना। चलो एक बार रहने दो। अगर ए बी का सबसेट है, तो जस्ट मुझे इतना बता दो, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ए होगा। इंटरसेक्शन क्या होता है? छोटा सेट होता है। तो ए और बी या तो बराबर हैं, और या फिर ए छोटा है। तो अगर दोनों बराबर हैं तो भी इंटरसेक्शन ए बोला जा सकता है, और अगर ए छोटा है बी बड़ा है तो भी इंटरसेक्शन ए ही बोला, बी तो नहीं बोला जा सकता। बी एक केस में बोला जा सकता है जब दोनों बराबर हैं, लेकिन उसका पता नहीं है ना मुझे कि दोनों बराबर है या नहीं है। तो ए तो 100% बोला जा सकता है। सो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया? मेरा ए आ गया। ठीक है, सिमिलरली साथ के साथ मैं दूसरा केस भी लेके चल रहा हूँ। दूसरा केस क्या है बताओ? A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है? अब देखो एग्जाम, अभी तो आपको नॉट इक्वल नहीं, इक्वल टू, अभी तो आपको ये दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको एग्जाम में ऐसे भी दे सकता हूं। कैसे? A एंड B, जिसका इंटरसेक्शन 5 होता है, उन दोनों इवेंट्स को क्या बोलते हैं? उन दोनों सेट्स को क्या बोलते हैं? चलो सेट थ्योरी पे आओ। A और B का अगर इंटरसेक्शन 5, अगर A और B दो डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है, और अगर इवेंट्स मान लो, अभी प्रोबेबिलिटी चल रही है, तो A और B कुछ इवेंट्स हैं, इनका इंटरसेक्शन 5 है, तो A और B को किस टाइप के इवेंट्स बोला जाता है? क्या बोलते हैं बताओ? गया आधार नंबर का क्वेश्चन, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, तो अभी तो आपको ये गिवन है, लेकिन कल को ये लैंग्वेज में ऐसे भी दे सकता है, तो इससे आपको पता लगना चाहिए कि इसका मतलब ये होता है। ठीक है, जैसे इसमें स्टेटमेंट दे दिया, इसमें स्टेटमेंट दे दिया, उसमें डायरेक्ट दे दिया, तो कल को ये स्टेटमेंट से स्टेटमेंट ऐसे भी दे सकता है। तो अगर आपने इससे ये पता लगाया, तो इससे ये पता लगाना आना चाहिए। ठीक है, चलो दोनों बातें क्लियर है। अब आप दोनों जगह निकालो, आपको क्या चाहिए था? प्रोबेबिलिटी, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑन ए इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए को, तो ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं ना, कोई बड़ी बात नहीं। ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
चलो इसमें इंटरसेक्शन भी ए दे रहा है, खुद कह रहा है, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर ए है तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय नीचे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कट के क्या आ गया 1। ठीक है इधर आओ, नाउ इसमें आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ वही बी होने चाहिए इसमें भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए सेम ही। अब ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इम्प्लाइज इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा बताओ, कुछ भी ऐसे लिखूं कुछ भी नहीं होगा बेटा, 5 लिखते हैं कभी, 5 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे लिखते हैं। तो एक नंबर चाहिए ना मुझे, तो अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी, है ना। एक टेबल बनवाई थी मैंने आपसे इंडिपेंडेंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, उसमें मैंने बताया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। सो 0 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, मानता हूं मुझे पता नहीं है, मुझे पता नहीं है लेकिन 0 तो नहीं है गिवन हिसाब से, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो 0/0 फॉर्म तो बनेगी नहीं, यानी इंडिटरमिनेंट फॉर्म तो बनेगी नहीं, कुछ भी आंसर है 0 के अलावा कुछ भी रख दूं मैं यहाँ पे, आंसर 0 आएगा। सो पहले क्वेश्चन का आंसर, मतलब पहले के पहले पार्ट का आंसर 1 है, दूसरे का पार्ट का आंसर 0 है, चेक करो। सेकेंड क्वेश्चन कर दो रिलेट, कुछ भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 इज ए कपल हैज 2 चिल्ड्रन, एक कपल के दो बच्चे, पहली चीज यानी दो बच्चे होना तो फिक्स हो गया ना, एग्जैक्टली 2 चिल्ड्रन है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर मेल, पता लगाओ प्रोबेबिलिटी कि दोनों के दोनों बच्चे मेल हैं, इस बात की तो प्रोबेबिलिटी पता लगाओ, और पता क्या है आपको ऑलरेडी क्या गिवन है, कम से कम एक उनमें से बच्चा मेल है, बॉय है, किस टाइप का क्वेश्चन, कंडीशन, ठीक है ना, एक चीज तो गीवन है और उसके बाद फिर दूसरी चीज पूछिए, है ना। तो सबसे पहले तो एक चिल्ड्रन के अगर दो बच्चे हैं, तो मैं अभी स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ, सैंपल स्पेस लिख रहा हूँ सीधे, है ना भाई, हेयर ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज गिवन, हेयर ए सिचुएशन इज गिवन इन विच अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, सो द पॉसिबल केसेस आर या सैंपल स्पेसेस, अपन ऐसे मानते हैं जो पहले लेटर लिखा वो बड़ा है, जो बाद में लेटर लिखा वो छोटा है, क्योंकि दो बच्चे हैं तो एक बड़ा और एक छोटा होगा, तो पहले वाला लेटर बड़ा, पहले वाले लेटर पे जो आया वो तो बड़ा और जो बाद वाले लेटर पे आया वो छोटा, तो पहला केस हो सकता है कि पहला बड़ा वाला भी बॉय और छोटा वाला भी बॉय, दूसरा केस बड़ा वाला बॉय एंड सेकेंड गर्ल, इसमें फर्स्ट गर्ल एल्डर गर्ल एंड यंगर बॉय, और एल्डर भी गर्ल एंड यंगर भी गर्ल, इसके अलावा तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, एक्सेप्शनल केसेस लेने नहीं होते। अब मुझे क्या चाहिए, दोनों के दोनों मेल चाहिए और कम से कम एक उसमें से मेल है, ये मुझे पता है, तो जो मुझे चाहिए उसको तो मानते हैं ई, और जो हो चुका है उसको मानते हैं एफ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के रूल्स हैं, ई और एफ निकालते हैं फिर अपन, तो आपको चाहिए क्या, दोनों के दोनों मेल चाहिए, है ना। सो लेट द इवेंट्स ई बी, ई मान लेता हूं मैं, बोथ चिल्ड्रन आर मेल, जो मुझे चाहिए वो ई मानना है, और जो दे रखा है वो एफ मानना है, एटलीस्ट वन चाइल्ड इज है, एटलीस्ट वन चाइल्ड इज मेल, फाइन। तो बेस्ड ऑन दीज इवेंट्स अजम्पशन टेल मी ई के अंदर क्या क्या इवेंट स्पेस बनेगा, दोनों के दोनों मेल होने चाहिए, तो दोनों के दोनों एक ही बनेगा बी बी, दोनों के दोनों मेल चाहिए ना, और एफ के अंदर क्या होगा कि कम से कम एक मेल हो, तो बी होना चाहिए बस, है ना, तो बी 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 जी एंड जी बी, थर्ड वाला केस हट जाएगा, ठीक है डन। नाउ वॉट, अब जब आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हो तो एक चीज और निकालनी होती है, ई इंटरसेक्शन एफ, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, बी बी, डन, ठीक है। नाउ आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ऑन एफ, यही तो चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ चिल्ड्रन हमारे गिवन दैट एटलीस्ट वन चाइल्ड, यानी ई ऑन एफ, इसको अपन डिफाइन करते हैं ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी, ई इंटरसेक्शन एफ में कितने फेवरेबल केसेस है, 1 आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 4, तो 1 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है यहाँ से आ जाओ, और एफ की चाहिए होगी, ई की तो चाहिए ही नहीं होती, दो लोगों की चाहिए होती है, एक तो एफ की और एक इंटरसेक्शन एफ की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में कितने फेवरेबल आइटम्स आ रहे हैं, 3 आउट ऑफ 4, सो इट इज लाइक 1/4/3/4, यानी कि 1/3 आंसर,
मैच करो फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अब सेकंड केस में मैं इसी में थोड़ा बहुत चेंजेस कर रहा हूं, दोनों के दोनों फीमेल चाहिए और ये पता है कि बड़ी वाली बच्चा जो है वो गर्ल है ना, तो दोनों के मैं इसमें चेंजेस कर देता हूं ना, सॉरी इसको क्यों हटाया मैंने, बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल चाहिए आपको ना, बस मेल को फीमेल कर दूं, बोथ चिल्ड्रन आर फीमेल, ये तो चाहिए, जो चाहिए वो एफ ओ ओ ई है ना, और जो हो चुका है वो क्या है, एल्डर वन शुड बी फीमेल, एल्डर शॉर्ट में लिख देता हूँ, एल्डर इज फीमेल। ठीक है साहब, तो बेस्ड ऑन दिस अब बीबी नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, जी जी, जो आपको चाहिए वो ई है, तो क्या आ जाएगा, जी जी, और दोनों में से बड़ी वाली क्या होनी चाहिए, गर्ल होनी चाहिए, तो बड़ी वाली गर्ल यानी पहले लेटर वाली गर्ल जी बी और दूसरा जी जी, बड़ी वाली गर्ल होनी चाहिए यानी पहले लेटर पे यानी पहले गर्ल पैदा होनी चाहिए, तो जी पहले जी पहले दोनों ही केसेस में। सो यहां से इसकी प्रोबेबिलिटीज बताओ, ये तो 2/4 और ये इंटरसेक्शन क्या होगा, पहले इंटरसेक्शन बताओ, इंटरसेक्शन जी जी हो जाएगा, ओके फाइन, और ये क्या हो जाएगा, दो केसेस आउट ऑफ फोर यानी कि 1/2 और ये तो ही सेम 1/4 ही रहा, जी जी आउट ऑफ थ्री है ना, सो एक तरीके से क्या हो जाएगा 1/4 डिवाइड बाय 2/4 है ना, या 1/2 लिख दो, तो आंसर 1/4 आउट ऑफ 2/4 यानी कि 1/2 आंसर। अब वैसे कॉमन सेंस से भी सॉल्व करते थे अपन, इसमें काफी टाइम अच्छे से सॉल्व, लास्ट ईयर बड़े तबियत में हमने सॉल्व किया था, बट अब आप हमारे पास अभी इस साल तो बिल्कुल टाइम नहीं है, तो मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा इस क्वेश्चन में, कॉमन सेंस से भी हो जाते हैं क्वेश्चन, ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है, आप चाहो तो पुराना वीडियो देख लें, बट टाइम ही नहीं आपके पास, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर दूं डिलीट, सपोज दैट 5% ऑफ मैन एंड 0.25% ऑफ वीमेन हैव ग्रे हेयर, ग्रे हेयर मतलब सफेद बाल है ना, मान लो कि 5% लोगों के और 5% आदमियों के और 0.25% औरतों के सफेद बाल हैं आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, किसी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन की बात कर रहा है, जैसे मान लो इंडिया की ले लो, तो ये आपको सर्वे में पता चला, एक ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सेलेक्टेड, अब उस लार्ज पॉपुलेशन में से एक ग्रे हेयर्ड पर्सन को सेलेक्ट किया गया, ठीक है ना, तो व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दिस पर्सन बीइंग मेल, अज्यूम दैट देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, अच्छा दुनिया मतलब जिस भी एरिया की बात कर रहे हैं, जैसे इंडिया की बात कर रहे हैं, मान लो कि 50% मेल है और 50% फीमेल है, उन 50% में से 0.5% मेन ग्रे हेयर्ड है और उन फीमेल के 50% में से 0.25% के क्या है, ग्रे हेयर है ना, ठीक है, अब जब आपने पर्सन सेलेक्ट किया तो पर्सन ही ग्रे हेयर सेलेक्ट हुआ, क्या कह रहा है, ग्रे हेयर्ड पर्सन इज सेलेक्टेड, आपने तो पर्सन सेलेक्ट किया लेकिन वो सेलेक्ट कौन सा हुआ, ग्रे हेयर, उस लार्ज पॉपुलेशन में से मेल फीमेल में से कुछ कुछ एक ग्रे हेयर मेल के, तो जैसे मैंने पर्सन सेलेक्ट किया तो वो क्या निकला, ग्रे हेयर, यानी ग्रे हेयर होना तो फिक्स है, अब वो ग्रे हेयर होना फिक्स है तो वो मेल था इसकी गारंटी बताओ, बेस थ्योरम रिवर्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना भाई, देखो पॉपुलेशन इसमें से कुछ ग्रे हेयर, इसमें से कुछ ग्रे हेयर, फाइनली ग्रे हेयर निकल गया, तो वो पीछे जाओ कि वो मेल था या फीमेल था ये सेलेक्ट करो, तो क्वेश्चन पिक करना पड़ेगा, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं कि कौन सी वाला थ्योरम लगने वाला है, तो बेस थ्योरम लगेगा, ठीक है ना, चलिए आइए, तो कुछ इवेंट्स मान लेते हैं अपन, जैसे मेल है फीमेल है, तो अपन वैसे क्या मानते थे इनको, E1 एंड E2 और फिर जो हो चुका होता था उसको A है ना, तो ग्रे निकलना तो हो चुका है ना, और E1 और E2 क्या है, मेल और फीमेल, ठीक है, सो लेट्स से E1 है, इवेंट E1 क्या माने, कि पर्सन मेल है, सेलेक्टेड पर्सन इज मेल, हाँ सेलेक्टेड पर्सन इज मेल, एंड एफ ई टू क्या माने, E1 E2 मानते थे या E और F मानते थे, ठीक है, सेलेक्टेड पर्सन इज फीमेल और इवेंट A जो फाइनल रिजल्ट होता था ना, सेलेक्टेड पर्सन हैज ग्रे हेयर, ठीक है अभी, ठीक है, सो बेस्ड ऑन दिस लेट्स से कि दो बातें हो सकती हैं, तो मान लो टोटल पॉपुलेशन है ना, ये तो है टोटल पॉपुलेशन, इस टोटल पॉपुलेशन में से या तो E1 होगा, जैसे एक पर्सन सेलेक्ट किया तो या तो वो E1 सेलेक्ट होगा और या फिर वो E2 सेलेक्ट होगा ना,
तो E1 सेलेक्ट हुआ मतलब E1 इवेंट घटित हुआ या E2 घटित हुआ, इसकी प्रोबेबिलिटीज 1/2 1/2, क्योंकि साफ साफ गिवन है। इधर भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा 1/2, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ मेल्स एंड इक्वल नंबर ऑफ फीमेल्स हमको ऑलरेडी दे रखा है, ये बात हमको अज्यूम करनी ही करनी है। सो E1, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज ऑल्सो 1/2। अब या तो यहां से भी ग्रे हेयर मिल सकता है, यहां से भी ग्रे हेयर मिल सकता है, ठीक है। तो अगर यहां से ग्रे हेयर मिलता है तो उस इवेंट को अपन क्या कहेंगे कि ग्रे हेयर चाहिए, ग्रे हेयर। इवन तो हो चुका है ना बेटा, ए ऑन इवन होगा ना, इवन ऑन ए क्यों, इवन ऑन ए तो एक्चुअली आपको चाहिए निकालना है भाई। इवन तो हो गया, जो हो गया वो नीचे आता है ना। अब उस मेल में से भी ग्रे हेयर मिले और इसका मतलब क्या है कि फीमेल सेलेक्ट हो गई और उस फीमेल सेलेक्टेड लोगों में से भी ग्रे हेयर मिले, तो ये आपको गिवन है क्वेश्चन में कि अगर आपने आदमी सेलेक्ट किया तो ग्रे हेयर मिलने की गारंटी है 5%, और अगर आपने वुमेन सेलेक्ट करी तो ग्रे हेयर मिलने की गारंटी है 0.25, तो 5% है। 5% को क्या लिख सकते हैं, 5/100, ठीक है। और 0.25 को क्या लिख सकते हैं, 0.25/100, ठीक है। अब ये तो हो गया ये काम, फाइनली जो पर्सन था उसके ग्रे हेयर आ गया, ए इवेंट घटित हो गया, ठीक है। ए इवेंट क्या हो गया, घटित हो गया। तो नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड प्रोबेबिलिटी, ए तो हो गया है ना, और वो मेल होना चाहिए, मेल कह रहा है ना, बींग मेल, बींग मेल मतलब इवन, इवन ऑन ए आपको चाहिए। सो बाय फॉर्मूला, बाय रिवर्स प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन इवन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू इनटू ए ऑन ई टू, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज 1/2, अगर चेंज करते हैं 1/2 इनटू ए ऑन इवन क्या है 5/100 डिवाइड बाय 1/2 इंटू 5/100 प्लस 1/2, ई टू भी तो 1/2 है, 0.25/100। सो एक चीज तो सब में कट गई, 2 × 100, 2 × 100, 2 × 100, ये सब में कट गया, 200, 200, 200। सो इट इज लाइक 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 0.25, सो 5 डिवाइडेड बाय 5.25, सो 0.25 उधर गया, तो 500, 500 बाय 5.25, 500 से काट दो, तो ओ सॉरी 25 से काट दो, 25 से ही कितनी बार जाएगा, 20 बारी और वो 21 बारी, 20/20। आंसर डन, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करेंगे अभी। सपोज दैट 90% ऑफ पीपल आर राइट हैंडेड, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट एटमोस्ट 6 ऑफ ए रैंडम सैंपल ऑफ 10 पीपल आर राइट हैंडेड। क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ आया, कौन से एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है। चलिए क्या बनेगा रैंडम वेरिएबल, बोलो खुशी। अब आपने बर्नौली ट्रायल्स के एक्सरसाइज भी सेशंस भी मिस किए, वीडियो भी नहीं देखी, साफ साफ बताया था सैंपल बोले तो बर्नौली ट्रायल्स, साफ साफ बताया था, नहीं बताया था, 3 से 4 क्वेश्चन किए थे, कुछ सैंपल उठाते हैं और उसमें उस सैंपल में से इतने डिफेक्टिव हों या इतने नॉन डिफेक्टिव हों या इतने ये हो जाए उतने हो जाए, सिंपल सा हिंट है बर्नौली ट्रायल्स, ठीक है ना। सेशंस मिस किए दोनों आपने, बर्नौली ट्रायल्स की पूरी एक्सरसाइज मिस करी, कब करोगे, एग्जाम के बाद। ओके, 90% ऑफ पीपल आर राइट हैंडेड, अच्छा आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए राइट हैंडेड होना, तो आप सक्सेस मान लोगे राइट हैंडेड और फेलियर मान लोगे राइट हैंडेड नहीं होना, है ना, ठीक है। और सैंपल कितने का उठा रहे हो आप, 10 पीपल का सैंपल उठा रहे हो, तो सो एन इक्वल टू 10, 10 लोगों का सैंपल उठा रहे हो, सक्सेस को डिफाइन कर देते हैं अपन राइट हैंडेड होना, राइट हैंडेड होना, है ना। सेलेक्टेड पर्सन इज, सेलेक्टेड पर्सन इज राइट हैंडेड,
इज राइट हैंडेड एंड फेलियर को अपन डिफाइन कर रहे हैं सिलेक्टेड पर्सन इज नॉट राइट हैंडेड. ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी, यानी पी क्या हो जाएगा, क्योंकि 90% ही राइट हैंडेड है, तो 90/100 या फिर 9/10. ठीक है भाई, एक जनसंख्या है उसमें 90% लोग राइट हैंडेड हैं, और मैंने एक आदमी उठाया तो वो राइट हैंडेड निकले, इसकी गारंटी 90%, क्योंकि 90% ही उसके अंदर राइट हैंडेड है. ठीक है ना, और क्यू चाहे से आप माइनस करके निकालो, नहीं तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1-P, यानी 1-9/10, यानी कि 1. सो आ गया सक्सेस फेलियर. अब आपको एटमोस्ट 6 जो है वो राइट हैंडेड चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 6 लोग होने चाहिए राइट हैंडेड. तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ज्यादा से ज्यादा, यानी लेस देन इक्वल टू 6, सही किया मैंने. ठीक है, 6 चाहिए, 6 से ज्यादा राइट हैंडेड नहीं चाहिए. 10 लोगों का सैंपल उठाया, उसमें से 6 लोग राइट हैंडेड, सैंपल का मतलब बर्नौली टाइल्स होता है 99% केसेस. ठीक है, ओके आ जाइए. अब 6 ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने केसेस निकालने पड़ रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो और अगर मैं उल्टा निकालूं, 1 में से माइनस करूं तो 5. तो हम हमेशा यही करेंगे कि जिसमें कम केसेस होंगे वो ही निकालेंगे, फिक्स कर लो. तो हम इसको उल्टा करके लिख दें, सो इट इज लाइक 1 माइनस, बोलो क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी. हाँ तभी तो कह रहा हूँ, और ऐसे 7 निकालने पड़ रहे हैं. पहली बात तो ये याद रखो कि अगर 10 n की वैल्यू 10 है तो टोटल 11, एक केस ज्यादा होता है. पहले तो ये भी अज्यूम, मतलब देखते ही पता लग जाना चाहिए, लिंक मिल जाना चाहिए कि कितने केसेस होंगे. तो n की वैल्यू 10 है तो 11 केसेस होंगे, कितने केसेस होंगे, 11. अब 11 में से मुझे कितने निकालने, अगर मैं इस तरीके से चलता हूं तो 7, और उस तरीके से चलता हूं तो 4. इधर से 4 ही तो निकालने, 7, 8, 9, 10. 7 और 4 ही तो 11 होते हैं बेटा, 12 कहां पहुंचा रहे हो. n की वैल्यू 10 है तो टोटल केसेस कितने, 11. इधर से 7 निकालने पड़ रहे हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और उधर से 7, 8, 9, 10, 4 ही तो निकालने पड़ रहे हैं. तो मैं उल्टा निकालूंगा, हमेशा फिक्स कर लो. कोई कह के सर 4 तो उधर ही भी निकाल रहे हो, तो 3 ही तो एक्स्ट्रा निकाल रहे हो, तो 3 एक्स्ट्रा भी क्यों निकाल रहा है, क्यों निकाल रहा है, बढ़िया मजा आ रहा है कि तेरे को टाइम वेस्ट करने में. 4 ही निकालना, 1 में से माइनस करना, बढ़िया. ठीक है, सो 1 माइनस, इसको लिखेंगे क्या बताओ, लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब ये x लेस देन इक्वल टू 6 का उल्टा होता है, x ग्रेटर देन 6. और इसको फिर फर्दर कैसे लिखूंगा मैं, इसको मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, 1 माइनस एक ब्रैकेट लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x 7 प्लस 8 प्लस 9 और फाइनली 10. हालांकि इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं निकालना आपको, क्योंकि 3 से 4 केस हो जाते हैं, तो उसका आंसर कभी भी पीछे भी उसने एग्जैक्ट नहीं दिया, बट थोड़ा बहुत तो करके आना है. 1 माइनस, चलो अब लिखना शुरू करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 7 को क्या लिखोगे, एनसीएक्स, फॉर्मूला याद है सबको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बराबर एक्स का फॉर्मूला होता है एनसीएक्स क्यू की पावर एन माइनस एक्स पी की पावर एक्स. ठीक है, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल कंटिन्यू. तो टोटल है 10, 10c7, क्यू क्या है, क्यू 1/10 की पावर तो 10-7 यानी 3, और 9/10 की पावर 7, प्लस आ जाओ x की वैल्यू 8 लगाओ, 10c8 तो 1/10 की पावर 2 और 9/10 की पावर 8, प्लस इधर आ जाओ 10c9 लगाओ, 1/10 की पावर तो 10-9 यानी 1 और 9/10 की पावर 9, प्लस लास्ट केस ले लो 10c10, 1/10 की पावर तो 0 हो गई, उसमें खत्म हो गया वो, और सारे के सारे फेलियर है, सारे सारे सक्सेस हैं, 9/10 की पावर, डन. यहां तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है. पीछे आंसर देखो एक बार किस फॉर्म में, थोड़ा सा सोल्व तो किया होगा, ऐसी बात नहीं है ना. अब सुनो एक काम करो, देखो एक पैटर्न बना के छोड़ना होता है, मुझे पता है किस फॉर्म में होगा आंसर. 1 माइनस, क्या चीज बदल रही है वो चेक करो, 7, 8, 9, 10, और जो चीज आ रही है वो यहां आ रही है, यहां आ रही है, यहां आ रही है, यहां आ रही है. 10 तो फिक्स है, तो जो फिक्स है उसको तो लिखो 10 फिक्स, फिक्स है ये तो भैया, नो चेंज. जो चीज बदल रही है उसको लिखो आई. अब सुनो,
वन बाई टेन की पावर तो क्या आ रही है, हमेशा टेन और आई का डिफरेंस, टेन माइनस आई, यस और नो? और नाइन बाई टेन की पावर क्या आ रही है, हमेशा आई। और इसको लगा दो समेशन, वेयर आई की वैल्यू है 7 से लेकर 10, खत्म। देखो इसी फॉर्म में क्या आंसर, या कुछ इसके आगे थोड़ा सा सॉल्व किया। किया That's it. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में ऐसे ही किया जाता है। अगर दो से भी ज्यादा क्रॉस हो जाए ना, ये जो चार हो गए, दो दो तक आ जाए तब तक सॉल्व करना होता है, दो से ज्यादा क्रॉस हो जाए तो ऐसे ही छोड़ के आना होता है, कुछ पैटर्न बना के छोड़ना होता है ना। हाँ आर लिख लो, मैंने आई लिख लिया, क्या फर्क पड़ता है ना, क्योंकि समेशन वाले पैटर्न में अपने स्टेटिस्टिक्स में सिखाया कि अपन आई लिखते हैं, समेशन एक्स आई, समेशन एफ आई। ठीक है, आई की वैल्यू कहां से कहां अरेंज करी वो भी लिखना है, क्योंकि 7, 8, 9, 10, तो 7 से लेके 10 तक, 7 इक्वल टू, या फिर अगर इधर ना लिखें तो इधर लिख सकते हैं वेयर आई इक्वल टू 7, 8, 9, 10, ऐसे लिख सकते। ठीक है, चले आगे। ठीक, तो ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकता है जिसमें आप सोचो सर मेरा तो ऐसा कोई आंसर ही नहीं आया, समेशन समेशन क्या लगा दिया उसने। ठीक है, तो आपको ब्रेक करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक झोले में 25 बॉल्स हैं, जिसमें से 10 बॉल्स पे तो एक्स मार्क लिखा हुआ है और 15 बॉल्स पे वाई मार्क लिखा हुआ है। ठीक है, यानी ऐसे मान लो 10 को एक्स है और 15 वाई है ना। एक बॉल निकाली गई साम, उसका नोट कर लिया गया, वापस रख दी गई विथ रिप्लेसमेंट का केस। ऐसे करते करते 6 बॉल्स निकाल ली साहब उसने, निकाली डाली, निकाली डाली, निकाली डाली, निकाली, 6 बॉल्स निकाली। तो क्या संभावना है कि सारी की सारी एक्स निकले, क्या संभावना है कि नॉट मोर देन टू, ज्यादा से ज्यादा 2 ही वाई निकले, क्या संभावना है कम से कम 1 तो वाई निकले, और क्या संभावना है कि एक्स और वाई वाले इक्वल इक्वल बॉल्स निकले। किस पैटर्न का क्वेश्चन है ये पता लगा। एक्सरसाइज 4, मुझे तो एक्सरसाइज बताओ, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 या 10.5। टेन पॉइंट टू, अच्छा सॉरी मैंने भी गलत बोल दिया, 10.1, 13.2। 13.2 में क्या होता था बेटा, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी चलती थी, एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट हो गया, साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ इवेंट्स होता था, तो उससे डायरेक्टली तो लिंक नहीं कर रहा क्वेश्चन ये। थर्टीन पॉइंट थ्री बेस थ्योरम, 13.4, अच्छा 13.4 में रैंडम वेरिएबल मानते थे, तो रैंडम वेरिएबल किसको मानूं मैं, कंडीशन कहाँ है इसमें बेटा, 6 बॉल निकाल रहे हो तो बर्नौली ट्रायल नहीं है क्या, एक झोले में से एक बॉल निकालना इज लाइक रैंडम एक्सपेरिमेंट, एंड व्हेन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड मोर देन वंस इट इज अ ट्रायल, और विथ रिप्लेसमेंट का केस है, हर बार प्रोबेबिलिटी सेम है, तो इट इज अ बर्नौली ट्रायल, इज अ बर्नौली ट्रायल। आपको साफ साफ कह दिया ना विथ रिप्लेसमेंट, यानी कि हर बार मैं निकालूंगा तो एक्स निकलने की या वाई निकलने की प्रोबेबिलिटी पहले वाले की तरह सेम होगी, और 6 बॉल निकालना अपने आप में एक हिंट है कि बर्नौली ट्रायल है, बाकी चारों एक्सरसाइजेस में एक्सपेरिमेंट को या तो एक बार ही किया जाता था या ज्यादा से ज्यादा 2 बार किया जाता था, क्योंकि 2 बार हमारी रेंज में होता था, जैसे डाइस को 2 बार फेंकना हमारे रेंज में, 36 बना लेंगे हम, या ज्यादा से ज्यादा 3 बार किया जाता था बेटा, 6 बारी करना तो इस हमारे कहीं भी रेंज में नहीं है, बर्नौली ट्रायल के बिना सॉल्व हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम एक है बस, आपके आपने आज तक जितने भी बर्नौली ट्रायल के क्वेश्चंस किए इन द एक्सरसाइज, इन द टॉपिक या इस एक्सरसाइज में भी किए मिसलेनियस में, उसमें सक्सेस जो उसने एक बार डिफाइन कर दी एंड तक वही सक्सेस रही, इस बार इसे सक्सेस बदल रहा है, पहले क्वेश्चन में एक्स का निकलना सक्सेस, दूसरे क्वेश्चन में वाई का निकलना सक्सेस, तीसरे क्वेश्चन में वाई का निकलना सक्सेस, चौथे क्वेश्चन में एक्स का और वाई का निकलना दोनों ही हाफ हाफ सक्सेस, तो कैसे डील करें? तो हम एक काम करते हैं, या दो तरीके हैं, या तो हर बार सक्सेस बदलो, हर एक क्वेश्चन में डिफरेंट पैटर्न बनाओ, एक्स का निकालना सक्सेस, फिर अगले क्वेश्चन में कह दो नहीं, वाई का निकालना सक्सेस, ऐसे सब सॉल्व करो। दूसरा एडवांस और अच्छा और अप्रोप्रिएट तरीका है कि एक ही फिक्स कर लो सक्सेस, एक्स को मान लो या वाई को मान लो, और फिर जैसे उसने वाई कहा तो उल्टा सोच लो, आप फेलियर निकालने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, समझ गए? ठीक है ना, क्लियर है? चलो तो इसको अलग से शीट पे करता हूं मैं,
तो मैं एक्स का निकालना सक्सेस मान लूं, ज्यादा हम कंफर्टेबल उसी में रहेंगे शायद, है ना। ये पुराना सेव हो गया, एक मिनट रुको, इसको डिलीट कर देते। हाँ जी, तो क्या करते हैं अपन, हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं 25, है ना, और उसमें से एक्स निकल रही है, एक्स बॉल्स हैं 10 और वाई बॉल्स हैं 10, और टोटल बॉल्स कितनी निकल रही है ये बताओ, 6। तो मैं सिंपली सबसे पहले तो सैंपल 6 का निकाल रहे हैं, तो एन इक्वल टू 6, खत्म कहानी। अब सक्सेस को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, पहले मैं एक्स को डिफाइन कर रहा हूँ। एक्स एक रैंडम वेरिएबल है, जिसका मतलब है नंबर ऑफ, चलो एक्स छोड़ो क्योंकि एक्स और वाई दो है, आप तो सिंपली डालो सक्सेस क्या है ना, सक्सेस यानी एस क्या है, एक्स मार्क्ड बॉल इज सेलेक्टेड, एक्स मार्क्ड बॉल इज सेलेक्टेड। एंड फेलियर इज व्हाट, वाई मार्क्ड बॉल इज सेलेक्टेड। यहां तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है, डन, यहां तो कोई डाउट नहीं है। अब आपको चाहिए पहला क्वेश्चन, अच्छा एक्स मार्क्ड बॉल सेलेक्ट होगी तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी बता दो फिर, पी और क्यू, क्योंकि 10 बॉल्स हैं एक्स मार्क वाली, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, या फिर जिसको अपन स्मॉल पी, पर नोलिटाल में एक लेटर दे दिया है पी, क्या हो जाएगा, 10/25, जिसको काट के अपन लिख सकते हैं 2/5, हाँ लिख दो सिंपली 2/5, और यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर जिसको अपन क्यू भी बोलते हैं, इट इज लाइक 15 यानी 3/5, 1 - 2/5, यहां तो कोई डाउट नहीं है। नाउ अब पहला क्वेश्चन, तो हमने वैसे भी एक्स को ही सक्सेस माना है, और पहला क्वेश्चन एक्स का ही है, सारी के सारी बॉल्स क्या होनी चाहिए, सारी की सारी बॉल्स एक्स मार्क्ड होनी चाहिए, यानी सारी की सारी सक्सेसेस मिलनी चाहिए, नंबर ऑफ सक्सेसेस 6 मिलनी चाहिए, 6 भी निकाल रहे हो, 6 की 6 सक्सेस चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 6 का, यस अभी अभी आपने सॉल्व किया है ना, फॉर्मूला लिखने की जरूरत है क्या, याद है ना, एन सी एक्स, तो एन क्या है 6, सो इट इज लाइक 6C6, क्यू क्या है 3/5, ये तो चाहिए ही नहीं आपको, 5 मतलब 3 6 - 6 यानी 0 चाहिए, सारी के सारी आपको सक्सेस चाहिए, तो 2/5 की पावर 6, 66 1 होता है, इधर आ जाओ ये भी 1 होगा, और 2/5 की पावर 6, दैट मींस 2 की पावर 6 होता है 64, और 5 की पावर 6 होता है 25, 25, 25, या फिर 125 का स्क्वायर, 25 का क्यूब होता है 125, और 5 की पावर 6 यानी 125 का स्क्वायर, 125 का स्क्वायर होगा 150, 150, 15625, 15625 मैक्स आंसर, यानी 64/15625, वो ज़्यादा आलसी है, ठीक है, एनीवेज, डन, समझ में आया, लॉजिक समझ आया, पहला क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। अब सेकंड क्वेश्चन में जज्बात बदल जाएंगे, हालात बदल जाएंगे, क्योंकि सक्सेस ही बदल दी उसने, है ना, गेम ही बदल दिया, कल तक कह रहा था कि मैं बीजेपी की साइड हूँ, आज अचानक से कहता है कि नहीं नहीं साहब मैं तो कांग्रेस ही हूँ, ठीक है ना। सेकंड, अब इसने क्या कहा कि वाई की वैल्यू 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो इसकी भाषा में कहूं तो वाई इज लेस देन इक्वल टू 2, इसकी भाषा में कहूंगा, ठीक है, y इज लेस देन, तो मुझे एक चीज बताओ, ध्यान से सुनो, कि y की वैल्यू 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो फिर y की वैल्यू कितनी होनी जीरो 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो y की वैल्यू 0 हो सकती है, नहीं इस y को x में कन्वर्ट करने की कोशिश करो ना, क्योंकि आपने फिक्स कर लिया कि x ही सक्सेस है मेरी, तो y की वैल्यू 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो y की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 और 1, तो फिर x की वैल्यू क्या क्या होगी, देखो मेरी बात सुनो, y की वैल्यू जो है 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी y की वैल्यू 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, तो मुझे एक चीज बताओ, जब y की वैल्यू 0 होगी तो x की वैल्यू 6 होगी, ऐसे लिखो, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू 0 प्लस, बोलते जाओ प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू 1 प्लस, लेकिन सर ये निकालने के लिए तो मेरे को फिर चेंज करना पड़ेगा, मेरे को तो वाई को सक्सेस मानना पड़ेगा, मत मान, तू तो मुझे ये बता दे बस, दो ही तो है डाइकोटोमस एक्सपेरिमेंट से डील कर रहे हैं अपन, तो वाई इक्वल टू 0 को एक्स इक्वल टू 6 नहीं लिख सकता क्या, कन्वर्ट हो गया ना, हो गया ना कन्वर्ट, क्या आपको चेंज करने की जरूरत पड़ी,
y इक्वल टू वन को मैं x इक्वल टू फाइव नहीं लिख सकता क्या, और y इक्वल टू टू को मैं x इक्वल टू फोर नहीं, इसके अलावा तो होगा ही नहीं ना यार, y अगर दो है तो x चार होगा ना, होगा ही होगा, कहाँ जाएगा। ठीक है, अब आपने x को सक्सेस माना था पहले की तरह, चलो मस्त रहो। तो सिक्स सी सिक्स, अच्छा x इक्वल टू सिक्स क्या बार बार निकालोगे कि अभी अभी निकाला है? अभी अभी निकाला है x इक्वल टू सिक्स आपने, टू बाय फाइव की पावर जो निकाला है उसको नहीं छेड़ना, जो नहीं निकाला है वो तो फिर करना ही, टू बाय फाइव की पावर सिक्स ये तो निकालना ही पड़ेगा। सिक्स सी फाइव क्यू क्या था, क्यू थ्री बाय फाइव था, तो थ्री बाय फाइव की पावर तो हो जाएगी वन, टू बाय फाइव की पावर हो जाएगी फाइव, प्लस इट इज लाइक सिक्स सी फोर, तो थ्री बाय फाइव की पावर हो जाएगी अभी टू, टू बाय फाइव की पावर हो जाएगी फोर। ठीक है, सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, सो टू बाय फाइव की पावर सिक्स तो लिख दो एज इट इज, और इधर आ जाओ, सिक्स सी फाइव होता है सिक्स इंटू थ्री बाई फाइव इंटू टू बाई फाइव की पावर फोर। ठीक है, ऐसे होगा कुछ, इधर आ जाओ, सिक्स सी फोर क्या होगा, सिक्स इंटू फाइव डिवाइडेड बाय टू फैक्टोरियल। ठीक है ना, तो ये थ्री का स्क्वायर यानी कि नाइन डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव इंटू टू बाई फाइव की पावर फोर, ऐसे कुछ आया आंसर। ठीक है, तो टू से वन, टू से थ्री टाइम ये गया, और कहीं कुछ गया क्या, और तो फाइव से वन और फाइव से फाइव टाइम ये गया बस। तो अब इन तीन टर्म्स में से टू बाई फाइव की पावर फोर कॉमन ले सकता हूँ ना मैं, टू बाई फाइव की पावर फोर मैंने कॉमन ले ली, तो इधर तो बच गया टू बाई फाइव की पावर टू यानी फोर बाय ट्वेंटी फाइव, इधर सिक्स थ्री जाए एटीन बाय फाइव, इधर थ्री टाइम जाए ट्वेंटी सेवन बाय फाइव, इसको अंदर सॉल्व कर दो, टू बाय फाइव की पावर तो फोर, तो ट्वेंटी फाइव एलसीएम लेना पड़ेगा, चार एटीन फाइव जा नाइनटी, और ट्वेंटी सेवन फाइव जा वन थर्टी फाइव। ओके, जोड़ो और पता लगाओ, पहले इसको लिख दो है ना, पांच और चार नौ, नौ और तीन बारह, टू ट्वेंटी नाइन बाय ट्वेंटी फाइव इंटू टू बाय फाइव, मैच करो आंसर इस फॉर्म में है या आगे कुछ और लिखिए। सेवन तो ये सॉल्व होके सेवन बनता है क्या, चेक करो, सेवन फाइव थर्टी फाइव रिमाइंडर, सेवन फाइव थर्टी फाइव रिमाइंडर थ्री जो फोर्टीन एंड थ्री, हाँ कहाँ पे, अच्छा ओके, क्यों लिखी मैंने ऐसा, टू बाई फाइव की पावर फाइव है ना, तो फिर ज्यादा बचेगा, टू बाई फाइव की पावर फोर लिया आपने तो टू और फाइव और बचेगा, यानी एटीन टू या थर्टी सिक्स बाई ट्वेंटी फाइव बचेगा। ठीक है, सो यहाँ पे ये थर्टी सिक्स का थर्टी सिक्स ही रह जाएगा। ठीक है, अब जोड़ो, तो थर्टी सिक्स और फोर फोर्टी, वन सेवेंटी फाइव बाई ट्वेंटी फाइव कट गया ना सेवन टाइम्स, वन सेवेंटी फाइव बाय ट्वेंटी फाइव सेवन टाइम्स कट गया, सेवन इंटू टू बाय फाइव की पावर फोर आंसर, मैच करो, अभी हो गया मैच, लॉजिक समझ में आया, मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज पहली बार हो रहा है कि बर्नौली ट्रायल में सक्सेस चेंज हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम नहीं चेंज करेंगे, हम तो एक को ही मान लेंगे, क्योंकि उस तरीके से करेंगे तो हमारा काफी लेंथी टास्क हो जाएगा हर बार सक्सेस चेंज करना। थर्ड क्वेश्चन पे आए, एटलीस्ट एटलीस्ट एक बार वाई चाहिए, यानी एक्स एटलीस्ट एक बार यानी ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, एटलीस्ट वन कह रहा है ना, कम से कम एक बॉल वाई की होनी चाहिए, यानी कि एक से ज्यादा होगा तो भी चलेगी, सो ऑब्वियसली एटलीस्ट वन में तो अपन क्या मानते थे, वाई था ना, मैंने एक्स लिख दिया, हाँ एटलीस्ट में तो, एटलीस्ट वन में तो हम हमेशा से, इधर तो सक्सेस दो दो बार है, लेकिन सक्सेस अगर एक भी डिफाइन होती थी तो भी अपन वन माइनस करते थे, तो भी अपन वो करते थे, तो इधर तो क्यों ही करेंगे बड़ा सारा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, यानी कि जीरो के अलावा बाकी सब चाहिए आपको, एटलीस्ट वन का मतलब है, अब वाई इक्वल टू जीरो भी कहाँ मैं सॉल्व करने वाला हूँ, मैं इसको एक्स में कन्वर्ट करने वाला हूँ, एक्स इक्वल टू सिक्स, एक्स इक्वल टू सिक्स पहले क्वेश्चन में ही निकाला है आपने, सिक्स आंसर, मैच करो, इसी फॉर्म में होगा। तो ये मैंने कल भी हिंट दी थी, और पूरी बर्नौली ट्रायल की एक्सरसाइज मैंने हिंट दिया कि जब भी तीन चार क्वेश्चन होंगे तो वो हर बार मेहनत नहीं करवाएगा, वो हिंट दिलवाएगा, पहले का आंसर दूसरे में हेल्प करेगा, दूसरे का तीसरे में, थोड़ा बहुत वो एक्स्ट्रा करवाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ,
फोर्थ बोलो, बराबर। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखो एक्स भी 3 कॉमा वाई भी 3। अच्छा एक्स भी 3 तो वाई तो वैसे ही 3 है, तो मैं लिखूं ही क्यों दूसरी बात, एक्स एक्स इक्वल टू 3 चाहिए मुझे, तो सिंपल सी बात है ना, दोनों बराबर। देखो एक तरीके से यह है कि एक्स एंड वाई आर इक्वल है ना, ये चाहिए मुझे। तो इसको मैं या तो ऐसे लिख दूं एक्स इक्वल टू 3, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं वाई इक्वल टू 3, दोनों एक ही बात है। मतलब मैंने सक्सेस वाई में डिफाइन करी नहीं, मैंने एक्स में डिफाइन करी, तो मैं ये वाली बात लिखूं ही क्यों, क्योंकि बची हुई तो 3 हो ही जाएगी ना, मैं इसी चीज को डिनोट करा दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6c3, क्यों क्या था, 3/5 की पावर तो 3, और 2/5 की पावर 3, ठीक है। 63 को सॉल्व कर दो जरा, 6 × 5 × 4 / 3 × यानी कि 3 × 2 × 1, ठीक है। इधर बोलो इक्वल टू नहीं इंटू, हाँ बोलो, 3 का क्यूब 2 का क्यूब यानी कि 27 इंटू 2 का क्यूब 8 डिवाइड बाय 5 की पावर तो कितनी हो गई, वो 5 की पावर 6 हो गई ना पूरी, लेकिन 1 5 कट जाएगा तो 5 × 5 की पावर 5 लिख दो। अब काटो, 5 से 5 गया, 3 से 2 गया, क्या तो 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 बार, तो एक तो काट दिया ना मैंने, 4 तक ही तो लिखा, इसके आगे 3 फैक्टोरियल भी तो कट गया ना, ठीक है। अब क्या बचा, 4, बस 4 × 27 × 8 / 5 की पावर 5 है, देखो किस फॉर्म में आंसर है, क्या करो फिर, 4 × 27 × 8 यानी 4 27 4 जा होता है 108, और × 8 5 की पावर 5 होता है 3125, शायद 3125 ही होता है क्या, 5 की पावर 5। चलो 8 8 जा 64, 8 8 64 by 3125 चेक करो, ठीक है। और कल मैंने आपको एक और हिंट दिया था, एक क्वेश्चन भी आया था हमारा, कि जब भी अपन ऐसे रैंडम वेरिएबल मान लेते हैं नंबर ऑफ सक्सेस को एक्स को, तो उसमें मिड में हमेशा सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे मान लो एक्स की वैल्यू है 0 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये चीज तो चलो ठीक है, एक्स इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6, तो उसमें एक्स इक्वल टू 3 की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, है ना, एक्स इक्वल टू 3 की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, और एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 6 की सबसे कम प्रोबेबिलिटी होगी, उन दोनों में से किसी एक की सबसे कम प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। ओके, जनरली ऐसा होता है ना, मतलब करीब करीब जब प्रोबेबिलिटीज हाफ हाफ होती है, अब जैसे 3/5 2/5 करीब करीब बराबर ही है ना, 3/5 और 2/5 होना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसमें एक्स इक्वल टू 3 पे आपको सबसे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। हाँ, अगर सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटीज में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जैसे सक्सेस तो है 10% और फेलियर है 90%, तब ये चेंजेस हो सकता है, तब बीचों बीच आपको एक बस सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी मिले, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलें कर दूं उसको डिलीट, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए हर्डल रेस ए प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 हर्डल्स, इसको कर दो बंद। हाँ, ए प्लेयर हैज टू क्रॉस 10 हर्डल्स, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्लियर ईच हर्डल इज 5/6, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक डाउन फ्योर देन 2 हर्डल्स। देखो 10 हर्डल तो क्रॉस करनी है, तो एन हो गई, बर्नौली ट्रायल का क्वेश्चन है ना, 10 हर्डल तो मुझे क्रॉस करनी है, बर्नौली ट्रायल प्लस मल्टीप्लीकेशन थियोरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, दो का मिक्स कॉम्बो पैक है ये। देखो क्या कह रहा है, नहीं, ये तो सिंपल सा बर्नौली ट्रायल है, अगला है मल्टीप्लीकेशन, ये तो प्योर बर्नौली ट्रायल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है ना। हाँ, तो ये क्या कह रहा है कि एन की वैल्यू तो है 10 10 हर्डल क्रॉस करनी है उसको हर्डल रेस में, अब वो क्लियर करेगा उसकी गारंटी है 5/6, तो क्लियर नहीं करेगा 1/6, लेकिन उसने तो नॉक डाउन की प्रोबेबिलिटी पूछ ली, तो कल लास्ट क्वेश्चन किया था जिसमें क्या कह रहा है कि है ना, जिसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है उसके उल्टे की प्रोबेबिलिटी वो पूछ ले, लेकिन मेरे लिए तो सक्सेस वही है जो उसने पूछी है, तो इस बार इसने ये पी नहीं दे रखा है, ये क्यू दे रखा है, बस इतना पहचान लो, फेलियर की हमारे डेफिनेशन के हिसाब से वो फेलियर है, हमारे लिए सक्सेस है नॉक डाउन करना मतलब गिर जाना, और उसने क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी दे दी, तो हमारे लिए तो फेलियर है ना, समझ गए, ठीक है। सो हम सक्सेस एंड फेलियर को डिफाइन कर दें, बस फिर काम हो जाएगा, सक्सेस को डिफाइन कर दिया मैं कि
he will knock down the hurdle. ये पर्टिकुलर एक हर्डल है, उसको नॉकडाउन करेगा. और फेलियर हो जाता है, ही विल क्लियर द हर्डल. नाउ बेस्ड ऑन दिस P की वैल्यू हो जाती है और Q की वैल्यू कुछ हो जाती है. तो क्लियर होने की दे रखी है मुझे 5/6. तो पहली बार हो रहा है कि मैं 1-5/6 करके और 1/6 निकाल रहा हूं, मतलब उल्टा काम कर रहा हूं. वैसे अपन को P दे रखा होता है और 1-P करके आप Q निकालते हो, इस बार Q दे रखा है ना. क्लियर होने की प्रोबेबिलिटी आपको दे रहे हो, बस यही चीज इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब तो कुछ बचा ही नहीं, उसको कितनी गिरानी है, फ्यूअर देन टू, दो से कम. फ्यूअर देन टू, दो से कम, यानी जीरो या एक, या तो जीरो या फिर एक. फ्यूअर देन टू यानी कि एक्स लेस देन टू. एक्स को डिफाइन कर देना, अपन कहीं पर भी एक्स लिखते नहीं है, वैसे एक्स डिफाइन है नंबर ऑफ सक्सेसेस, ठीक है ना. बर्नौली ट्रायल के हर एक क्वेश्चन में एक्स ऑलरेडी डिफाइन है नंबर ऑफ सक्सेस, मतलब रैंडम वेरिएबल जो अपन लेते थे फोर्थ एक्सरसाइज में, फिफ्थ में फिक्स हो गया नंबर ऑफ सक्सेसेस. तो ये हो जाता है लेस देन टू का मतलब है या तो जीरो या वन. तो दो या तीन तक होता है तब तक पूरा पूरा सॉल्व करना होता है ना, ये तो दो ही है तो उसको तो सॉल्व करना ही है. सो 10C0, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 5/6 की पावर तो हो जाएगी 10 और 1/6 की 0, 0 प्लस 10C1, 5/6 की पावर तो हो गई 9, 1, ठीक है. 10C0 तो 1, ये भी 1, बस 5/6 की पावर 10 बचा, 2, 1 प्लस इधर आओ 10C1, 10 और ये हो जाएगा 5/6 की पावर 9 और वो 1/6. तो एक काम करो, इसको काट दो 3, इसको काट दो 5, 5/6 की पावर 9 ले लो कॉमन. तो इधर से तो बचता है 5/6, उधर से बचता है 5/3, या फिर उधर से काटो मैं 10/6 ले लो, बात एक ही है ना, 10/6. सो 5 + 10 15/6, 15/6 को काट के लिख सकता हूं मैं 5/3, 5/2 है ना, 5/2 इंटू 5/6 की पावर 9. चेक करो आंसर. तो अभी तक तो मैक्सिमम क्वेश्चन बर्नौली ट्रायल के ऐसा लग रहा है जैसे पिछले एक्सरसाइज ही सॉल्व कर रहा है. 5 की पावर 10 कर दिया और 6 की 9 ही रखी, तो ठीक है एक पावर बढ़ा दो. एक पावर दिख रही है ना यहाँ पे. सो 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 6 की पावर 9, ऐसे, ठीक है. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है अभी, 7. 7 को इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए. शायद ऐसा एग्जांपल भी है आपकी बुक के अंदर, शायद मिसलेनियस एग्जांपल ही है. ए डाई इज थ्रोन अगेन एंड अगेन अंटिल 3 sixes आर ऑब्टेंड, ठीक है ना. एक डाई को तब तक फेंकते जाओ जब तक कि 3 times 6 ना आ जाए. लगातार नहीं, लगातार नहीं, मुझे 3 6 चाहिए. जैसे मैंने फेंका, 6 आया नहीं आया, फिर दोबारा फेंका, 6 आया नहीं आया, दोबारा फेंका, 6 आया नहीं आया, चौथी बार फेंका, 6 आया नहीं आया. चलाते जाओ, 3 sixes चाहिए. जैसे मान लो दूसरी बार में 6 आ गया, फिर मान लो एक 5वीं बारी में 6 आ गया, फिर मान लो एक 10वीं बारी में 6 आ गया. तो 10वीं बार में 6 आते ही मैं 10 बार के बाद 11वीं बार को डाय नहीं फेंकूंगा. मान लो 20वीं बार तक भी नहीं आया तो चलता जाएगा, 30वीं बार तक भी नहीं आया तो, ठीक है ना. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3rd 6 इन द 6th throw ऑफ द डाय, ठीक है ना. क्या कह रहा है कि आपको संभावना बतानी है कि तीसरा सिक्स जो है 6th throw में आ जाए, यानी पिछले 5 throw में 2 sixes आ जाए. तो 5 throw में 2 sixes आना बर्नौली ट्रायल का क्वेश्चन. 5 बार मैं रिपीट कर रहा हूं, मोर देन वंस रिपीट होता था, और हर बार 6 आना इंडिपेंडेंट है, है ना. बर्नौली ट्रायल का साफ साफ क्वेश्चन है, हर बार 6 आना इंडिपेंडेंट है, पिछली बार 6 आया नहीं आया अगली बार पे फर्क नहीं पड़ेगा. और 6th throw में तो 100% 6 आना ही चाहिए. समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यानी कुल मिला के 6 आना तो मेरा सक्सेस है, है ना. और मैं कितनी बार डाई को फेंकूं, 6 बारी नहीं, टोटल नंबर तो मैं 6 बारी फेंकूं, है ना. देखो इस तरीके से इसको मैं डिफाइन कर रहा हूं, देखना. मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3rd 6
इन सिक्स्थ थ्रो, ये चाहिए मुझे ऑफ ए डाई, ये चाहिए ना मुझे, बताओ। इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं, इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग, यानी कि तीसरा सिक्स आ रहा है छठी बारी में, तो पिछली पांच में दो सिक्स आ चुके हैं, अब पिछली पांच में दो सिक्सेस कहीं पर भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले दूसरे पे आ जाए, दूसरे चौथे पे आ जाए, पहले पांचवे पे आ जाए, पांच में दो आने चाहिए, तो ऑब्टेनिंग टू सिक्सेस इज माई प्रायोरिटी इन हाउ मेनी थ्रोस, फाइव थ्रोस, ठीक है। अब छठी बारी में तो आना ही चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सिंपली सिक्स, ऑब्टेनिंग सिक्स इन द सिक्स्थ थ्रो, इन द सिक्स्थ थ्रो, वो ऑब्वियसली अगर दो इधर आ गए तो तीसरा हो ही जाएगा ना, तो ऑब्टेनिंग सिक्स इन द सिक्स्थ थ्रो। अब मेरा आपसे सवाल है, इन दो, इसकी मैं अलग निकाल लूंगा, इसकी अलग निकाल लूंगा, इसकी तो वन बाय सिक्स हो ही जाएगी भाई, एक बार थ्रो कर रहा हूं मैं, छठी बारी जब मैं थ्रो कर रहा हूं तो पिछले पांच में क्या हुआ उससे मुझे कोई लेना देना नहीं, भूल जाओ जो भी हुआ, छठी बारी में थ्रो कर रहा हूं, एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, मुझे सिक्स चाहिए, तो वन बाय सिक्स प्रोबेबिलिटी, तो इधर तो वन बाय सिक्स आ जाएगा, इधर बर्नौली टाइल से निकाल ही लेंगे, इन दोनों प्रोबेबिलिटी के बीच में साइन क्या आएगा वो बताओ। यस, तो ये सेकेंड एक्सरसाइज का इन्वॉल्वमेंट है कि आपको दोनों चाहिए, आपको पांच में दो भी चाहिए, आपको छठे में 100% भी चाहिए, जब दोनों चाहिए तो साइमल्टेनियस अकरेंस, दैट मींस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बस ये समझ जाओगे तो हो जाएगा काम। तो इन दोनों के बीच में बच्चे कई बार प्लस का साइन लगा देते हैं, बट साइन विल बी लाइक इन टू, सो इस केस के लिए मैं मान लूंगा एन की वैल्यू पांच, एन की वैल्यू पांच, पी की वैल्यू सिक्स आना, वन बाय सिक्स, क्यू की वैल्यू फाइव बाय सिक्स, फेलियर क्या नहीं, ठीक है, सो इट इज लाइक इक्वल टू, बोलो आपको दो चाहिए ना, तो एक्स इक्वल टू टू, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू वॉट, 5c2, क्यू क्या है 5 बाय 6 की पावर तो हो जाएगी 3 और 1 बाय 6 की पावर हो जाएगी 2, इनटू ये तो 1 बाय 6 हो ही चुका है, इनटू ये भी 1 बाय 6 हो ही चुका है, चलो अब सॉल्व कर दो, सो 5c2 यानी कि 5 इनटू 3 फैक्टोरियल तो कट जाएगा, 5 इनटू 4 इनटू डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल यानी 2, और यहाँ पे आ जाओ 5 का तो क्यूब हो गया एक तरीके से, और 6 की पावर पूरी 5 हो गई, और इनटू 1 बाय 6 और है, तो 6 की पावर तो 6 हो गई एक्चुअली, है ना, 6 की पावर तो हो गई 6, 5 की पावर भी हो गई 4, 2 से 2 काट दो, देखो 2 से 2 काट दो तो 2 तो बच गया, 5 की पावर हो गई 4 और 6 की पावर हो गई 6, देखो इसी फॉर्म में क्या आंसर, ये सॉल्व किया है पूरा, टेन कैसे आएगी, फाइव की पावर 10 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू सही तो चेक कर रहे हो, एंड 2 ऊपर है कि नीचे, तो बिल्कुल डिफरेंट आंसर आ रहा है, वही तो बात है, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो, ऐसा आ ही नहीं सकता ना, 6 की पावर 10, 10 बार तो थ्रो ही नहीं किया, तो पूरा सॉल्व किया है मतलब, है ना, सो 5 का स्क्वायर 25, 625 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 6 करो, तो 6 का क्यूब करो और उसका भी स्क्वायर करो, एक 6 तो मैं बाहर निकाल देता हूँ, अब 6 की पावर 5 क्या होती है सोचो, 216 इंटू 36 करना जरा, करो 6 की पावर 5 करना है ना, करो, उसे ये 3 टाइम गया, तो 625 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 5 तो ये आ जाएगा, करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए ना बेटा, 6 की पावर 4 कर दो, चलो हटाओ, 6 की पावर 5 करनी है, 6 की पावर 4 इंटू 6 कर दो, 6 की पावर 4 तो याद होगी, वो भी नहीं है, 6 की पावर 4 मतलब 6 के स्क्वायर एंड 36 का स्क्वायर, क्या ये 6 की पावर 5, 6 की पावर 6 तो चाहिए ही नहीं मुझे, मुझे तो 6 की पावर 5 चाहिए, 6 की पावर 4 होती है 36 का स्क्वायर, 50 से 14 का मैं, 25 में 14 का 11, 14 का स्क्वायर होता है 196, 1296,
वन टू नाइन सिक्स इंटू सिक्स कर दो, सिक्स सिक्स 36 रिमाइंडर 3, सिक्स नाइन जा 6 6 36 रिमाइंडर 3, 6 9 जा 54 एंड 357 रिमाइंडर 5, 6 2 जा 12 एंड 517 रिमाइंडर 1, 7 7 और उसको इंटू 3 भी करना है अभी, ये तो 6 की पावर 5 है ओनली, 3 से करो तो 3 6 जा 18 रिमाइंडर 1, 3 7 21 एंड 22 रिमाइंडर 2, 3 7 जा 21 एंड 223 रिमाइंडर 2, 21 एंड 223 देखना ये आंसर है क्या। कैसे भी कर लो तो आएगा ही ना, वो तो सेम आएगा ही कैसे भी करो, ठीक है। 625 डिवाइड बाय 233 28। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए ना कि सिक्स थ्रो में ही चाहिए, सेवन्थ थ्रो में ही चाहिए, तो उसमें जिस थ्रो में चाहिए उसको अलग सॉल्व करो और पिछले पहले क्या हुआ उसको अलग सॉल्व करो, और पहले को तो बर्नौली ट्रायल मान लो, 5 में से 2, 6 में से 3 कुछ भी कर देगा, और आखिरी वाले को एज इट इज मल्टीप्लाई कर, ठीक है। कर दूं डिलीट। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अभी अपन ने, 7 8 क्वेश्चन क्लास 10th का कॉपी पेस्ट आया है, आपको याद होगा एक लीप ईयर को सेलेक्ट कर लिया गया है, उस लीप ईयर में 53 ट्यूसडेज लाने हैं। 10th में किया था अपन ने क्वेश्चन 53 संडेज 53 मंडेज नहीं किया था, याद है? तो देखो एक लीप ईयर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं पहले बताओ, लीप ईयर 366। अच्छा क्यों होते हैं ये पता है किसी को? जुड़ जाता है क्योंकि एक साल में 365 दिन नहीं होते, 365 1/4 डेज होते हैं, तो 1/4 1/4 25% जुड़ के एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है चौथे साल। नंबर ऑफ डेज इन ए लीप ईयर, इन ए लीप ईयर कितने होते हैं? 366 डेज होते हैं, तो हमको पता है। तो 53 ट्यूसडेज लाने, तो आप ट्यूसडे हर सातवें दिन आता है, हर सातवें दिन ट्यूसडे आता है, तो अगर मैं 366 को डिवाइड कर दूं 7 से तो कितने कंप्लीट वीक्स हो गए? 7 5 35 16 7 2 14 और 2 डेज बच गए, यानी 52 वीक्स तो बनेंगे ही बनेंगे। इसको मैं 360 डेज को तोड़ रहा हूं, 52 वीक्स तो बनेंगे ही बनेंगे, प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा बनेंगे, प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा। यहां इसको मैंने ब्रेक कर दिया 366 डेज को, 2 डेज एक्स्ट्रा डन, यहां तो कोई डाउट नहीं है। नाउ व्हाट, अब देखो 52 वीक्स और 2 डेज एक्स्ट्रा, अब देखो 52 वीक्स है यानी 52 ट्यूसडे तो होंगे ही होंगे, यानी कि अब मैं नंबर ऑफ ट्यूसडेज की बात कर रहा हूं, यानी मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ट्यूसडेज, ये चाहिए ना आपको। तो 53 ट्यूसडेज का मतलब है कि 52 ट्यूसडेज तो आएंगे ही आएंगे, आएंगे ना बताओ। और अभी अभी हमने देखा था साइमल्टेनियस अकरेंस में इनटू कर देता हूं, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हाँ 2 दिन एक्स्ट्रा में से 50 50, मतलब एक ट्यूसडे चाहिए आपको 2 डेज एक्स्ट्रा में, है ना, वन ट्यूसडे आउट ऑफ 2 डेज एक्स्ट्रा, आउट ऑफ 2 डेज एक्स्ट्रा तोड़ दिया मैंने उसको मल्टीप्लीकेशन, जब मैंने 10th में सिखाया था तो उस टाइम मल्टीप्लीकेशन थ्योरम सीखी नहीं थी, तो अपन ने थोड़ा ऐसे ही कैजुअली बात करी थी, और अभी अपन मल्टीप्लीकेशन थ्योरम जानते हैं, तो ये तो चाहिए ही चाहिए, साथ में साइमल्टेनियसली ये भी चाहिए। अब 52 ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी तो 1 है, आएगी ही आएगी, कोई रोक सकता है क्या? क्योंकि 52 वीक्स तो है ही है, 52 वीक्स है ना बेटा, तो 52 वीक्स में 52 संडे 52 मंडे 52 ट्यूसडे 52 ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी तो 1 है। अब आपको बस आउट ऑफ 2 डेज जो एक्स्ट्रा है वो एक उसमें से एक ट्यूसडे चाहिए। तो इस पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं, लेट से कि इस पार्ट को एक बार के लिए मैं स्मॉल पी मान लेता हूं, है ना। अब स्मॉल पी सॉल्व कर रहा हूं, स्मॉल पी सॉल्व कर रहा हूं, तो मेरे को मुझे बताओ अगर 2 दिन एक्स्ट्रा है तो पॉसिबल केसेस क्या होंगे, पॉसिबल केसेस फॉर 2 डेज एक्स्ट्रा, यानी कि उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा फॉर 2 डेज एक्स्ट्रा। 2 दिन जो एक्स्ट्रा बच गए वो आप मानते हो या तो बचेंगे संडे मंडे, एस और एम लिख देता हूं, या फिर बचेंगे मंडे ट्यूसडे, या फिर बचेंगे ट्यूसडे कॉमा वेनसडे, या फिर बचेंगे अब थर्सडे को टी एच लिख देते हैं ना, और या फिर बचेंगे थर्सडे कॉमा फ्राइडे, या फिर बचेंगे फ्राइडे कॉमा सैटरडे को क्या लिखूं एस टी लिख देता हूं क्योंकि संडे को लिख दिया ना मैंने, और फिर या फिर बचेंगे सैटरडे संडे, इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या, टेल मी वन थिंग। तो ये सैंपल स्पेस हो गया एक तरीके से बचे हुए 2 दिन को सॉल्व करने का, पी को सॉल्व करने का, स्मॉल पी को सॉल्व करने का। इसमें से आपको क्या चाहिए, ट्यूसडे तो चाहिए ही चाहिए, तो फेवरेबल केसेस कौन से हो गए जिसमें ट्यूसडे मिले ही मिले, फेवरेबल केसेस हो जाएंगे मेरे
एक तो हो जाएगा ट्यूसडे चाहिए था ना आपको, या तो मंडे ट्यूसडे सेलेक्ट कर लो, उसमें आपका ट्यूसडे सेलेक्ट हो गया, और या फिर ट्यूसडे वेनसडे सेलेक्ट कर लो, उसमें भी आपका ट्यूसडे सेलेक्ट हो ही गया। सो प्रोबेबिलिटी पी क्या निकलेंगे, फेवरेबल केसेस कितने हो गए, 2 डिवाइडेड बाय टोटल केसेस कितने हो गए, 7, 7 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, सो इट इज लाइक 1 × 2/7, सो द आंसर इज 2/7, समझ आया। अच्छा, और ताजुब की बात ये कि 52 ट्यूसडे क्या, 52 मंडे, 52 संडे, 52 सबकी प्रोबेबिलिटी 2/7 आएगी, और अगर नॉन लीप ईयर है 365 दिन है तो एक ही दिन एक्स्ट्रा बचेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 आएगी, क्योंकि उसमें 7 केसेस बनेंगे और उसमें से एक ही केस में आपको एक ट्यूसडे मिलेगा। ठीक है, समझ आ गया क्या? तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 2/7, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1/7 आएगी। अच्छा, अगर एक चीज और सुनो, ऐसा इक्वेशन कोई दूसरा बन जाए जिसके अंदर कुछ ऐसा हो कि अभी जैसे 2 दिन एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो 2 दिन एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो उसमें संडे के बाद मंडे आना फिक्स है, अगर सीक्वेंस फॉलो ना हो, जैसे संडे के बाद कुछ भी आ सकता हो, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन बन जाए जिसमें ऐसी कोई चीजें दे रखी हो जिसके जिसमें 2 दिन एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकते हो, तो फिर उसमें जो टोटल नंबर ऑफ केसेस होते हैं वो यही नहीं होते, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे, वो नहीं होते, फिर उसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन से सॉल्व करना पड़ता। फिर जैसे 7 डेज है मान लो, और दो दो आपको ट्यूसडे चाहिए, कोई से भी 2 ट्यूसडे चाहिए, तो 7P2 आंसर आता, क्या आता, 7P2। अगर कॉम्बिनेशन, अगर सीक्वेंस मैटर नहीं करता हो, फॉर एग्जाम्पल ट्यूसडे वेनसडे आना और वेनसडे ट्यूसडे आना, अलग अलग केसेस काउंट हो तो 7P2, और अगर मान लो एक ही केस काउंट हो कि ट्यूसडे आ जाए बस, तो ट्यूसडे वेनसडे और वेनसडे ट्यूसडे, तो फिर 7C2, ऐसा कोई क्वेश्चन बन जाए तो। बट इधर तो ऐसा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, क्योंकि इधर तो फिक्स है कि संडे के बाद मंडे आएगा, समझ गए, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर इसका फाइनली क्या आ गया, 2/7। सीक्वेंस मैटर करेगा भाई, नहीं सीक्वेंस मैटर करेगा तो परमुटेशन, सीक्वेंस मैटर करेगा तो जैसे कि संडे मंडे और मंडे संडे, दो अलग अलग केसेस काउंट हो, सीक्वेंस मैटर करे, संडे मंडे का अलग केस है, मंडे संडे का, तो परमुटेशन, और ये दोनों संडे मंडे, मंडे संडे, सर संडे और मंडे आ गया ना बात खत्म, दो क्यों काउंट कर रहे हो, कॉम्बिनेशन हो, तो फिर उसमें अपन 7C2 करते। ओके, जैसे हैंडशेक करना इज लाइक कॉम्बिनेशन, मैं आपसे हैंडशेक कर रहा हूं, आप मुझसे हैंडशेक कर रहे हो, एक ही हैंडशेक काउंट हो रहा है, लेट्स से तो कॉम्बिनेशन, लेकिन मैंने आपसे एक हैंडशेक किया और आपने मुड़ के वापस, ये दो अलग अलग हैंडशेक काउंट हो गए, तो फिर परमुटेशन, सीक्वेंस मैटर करे। ठीक है, नेक्स्ट, एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड्स ट्वाइस एज ऑफन एज इट फेल्स, क्या मतलब है इसका, पहली लाइन से क्या समझो, मतलब एक एक्सपेरिमेंट को मैं जितनी बार भी करता हूं तो कुछ टाइम फेल हो जाता है, कुछ टाइम वो सक्सेस हो जाता है, तो वो सक्सेस होने की उसकी संभावना दुगनी है फेल होने की संभावना से, उसकी सक्सेस होने की संभावना दुगनी है उसके फेल होने की संभावना से, ऐसा नहीं कि आधी आधी संभावना है, 1/2 1/2 नहीं है, दुगनी और 1 गुनी, तो क्या कहेंगे इसको, 2/3 1/3, दुगनी तिगनी हो गई ना, मतलब मैं हर बार सक्सेस, अगर मैं सेक्शन को 3 बार करता हूं तो 2 बार ही सक्सेस हो जाता है, एक बार फेल हो जाता है। ठीक है, समझ में आई बात, तो मैं इसको पहले, और साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एटलीस्ट 4 सक्सेस चाहिए, 6 ट्रायल्स है, बर्नौली ट्रायल्स तो है ही है, बस पी और क्यू को घुमा फिरा के दे रखा है, पी और क्यू को घुमा फिरा के, तो जो सक्सीड होने की प्रोबेबिलिटी, इसको पी इक्वल टू ट्वाइस फेल होने की प्रोबेबिलिटी, यही तो दे रखा है आपको, पी इक्वल टू 2Q, बोलो यही तो दे रखा है, पी इक्वल टू 2, भाई सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पी, फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्यू, और आपको दे रखा है सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी फेल होने की प्रोबेबिलिटी से 2 गुना है, सो पी इक्वल टू 2Q। नाउ वी नो दैट, व्हाट डू वी नो, कि पी प्लस क्यू तो 1 होता है, होता है क्या, तो इसमें वैल्यूज पुट अप करो, तो पी को लेट से 2Q लिख दिया मैंने, 2Q प्लस क्यू इक्वल टू 1, सो 3Q इक्वल टू 1, तो क्यू इक्वल टू 1/3, तो यहां से पी भी आ जाएगा 2 × 1/3, यानी कि 2/3, सो पी और क्यू क्लियर हो गए। कुल मिला के पी और क्यू को सॉल्व करने के लिए कुछ उल्टी सुलटी बातें दे रखी, अब तो क्या ही बचा आपके पास, कि आप अगर 6 बारी एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हो, यानी एन इक्वल टू 6, आपको क्या चाहिए, एटलीस्ट 4 सक्सेस चाहिए, सो आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन, एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो कौन कौन से केसेस काउंट होंगे, और अगर उल्टा करें तो ज्यादा होंगे, तो सीधा ही चलने दो, है ना, उल्टा में अगर कम हो तो फिर 1 माइनस करके करते हैं, नहीं तो फिर सीधा ही उल्टे में 4 बनेंगे, इसमें इसमें कितने बन रहे हैं, 3 ही बन रहे हैं, तो इट विल बी इक्वल टू एक्स इक्वल टू 4
प्लस एक्स इक्वल टू फाइव प्लस एक्स इक्वल टू सिक्स। तो तीन केसेस तो मिसलेनियस में कम से कम देगा, मिसलेनियस में अपन इतनी तो एक्सपेक्ट करें, है ना। तो एक्स इक्वल टू फोर पे आओ, सिक्स सी फोर क्या है, टू, ठीक है आगे बोलो, सिक्स सी फाइव ठीक है आगे बोलो, ठीक है 64 इज 6 इंटू 5 डिवाइड बाय 2, और इसको कैसे सॉल्व करूं मैं, देखो 2 बाय 3 की पावर 4 कॉमन निकालूंगा मैं, है ना। तो लेट से 1 बाय 3 का स्क्वायर 1 बाय 9 और 2 बाय 3 की पावर 4 को एज इट इज लिख दो, तीनों में 2 बाय 3 की पावर 4 कॉमन आ सकता है ना। 65 को 6 इंटू 1 बाय 3 लिख दिया मैंने, और 2 बाय 3 की पावर 4, 1 बाय 3 इसमें कहाँ है, वो तो 1 ही होंगे ना, ठीक है। तो इसमें से भी 2 बाय 3 की पावर 5 है हाल फिलहाल मेरे पास, तो मैं 2 बाय 3 एक तो अलग निकाल देता हूँ और एक 2 बाय 3 की पावर 4 कॉमन निकाल देता हूँ, और वो 66 तो 1 है, वो भी 1 है, और ये 2 बाय 3 की पावर 6 है। चलो तो 2 बाय 3 की पावर अगर मैं 4 कॉमन निकालूँ, ये तो कॉमन आएगा ही आएगा, बाकी क्या बचा, 2 से 1, 2 से 3, 3 से 1, 3 से 3, तो इधर तो बच गया 5 बाय 3, इधर 3 से 2, 2 2 जा 4 बाय 3, प्लस उधर 2 बाय 3 की पावर 6 है, 4 तो निकाल ली, तो 4 बाय 9, ठीक है। सो इट इज़ लाइक 2 बाय 3 की, वैसे तो शायद इसमें पूरा ही सॉल्व कर रखा होगा, 2 बाय 3 की पावर 4 भी कोई बड़ी नहीं होती है ना, देखते हैं फिर भी। तो 9 यानी 3 5 जा 15, 4 3 जा 12 प्लस 4 डिवाइड बाय 9 कितना हुआ, ये जोड़ना ज़रा, 27 और 4 31 बटे 9 इंटू 2 बाय 3 की पावर 4, देखो 2 बाय 3 की पावर 4 भी सॉल्व करिए क्या, कितना लिखा, 31 बाय 9 इंटू इंटू 31 बाई 9 इंटू 2 बाई 3 की पावर 4, सही है, एग्जैक्ट मैच हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो इसमें P और Q सॉल्व करना था बस, बाकी तो कुछ था ही नहीं, बर्नौली ट्रायल का क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन बर्नौली ट्रायल के है ना, लास्ट ईयर यही कट गया था तो काफी हेल्प हो गई थी उनको, मिसलेनियस भी आधी कट गई एक तरीके से, है ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 10 एक आखिरी क्वेश्चन करेंगे, 50% का हमारा टारगेट अचीव हो गया है, तो एक आखिरी क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद बाकी के हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, क्योंकि ज्यादा तो फिर क्या है ओवरलोड हो जाएगा। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट अ मैन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन का वेट कर रहा था मैं, मुझे लगा शायद आ जाएगा ही नहीं पर आ गया, ध्यान से सुनना क्वेश्चन बड़ा मस्त है। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट अ मैन टॉस ए फेयर कॉइन, फेयर कॉइन है भैया, हेड की 1 बाय 2, टेल की भी 1 बाय 2, कितनी बार एक आदमी एक कॉइन को टॉस करे कि कम से कम एक हेड आने की संभावना 90% से ज्यादा हो, ठीक है, सारी लीनियर इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी घुसा दी इसमें, ठीक है, कुछ समझ नहीं आया। देखो जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एटलीस्ट एक हेड आना है, सबसे पहली चीज तो एटलीस्ट एक हेड आना है, तो यानी कि बर्नौली ट्रायल का क्वेश्चन है ना। अब सपोज करो मैंने 5 बारी उछाला तो एटलीस्ट एक हेड आना है ना, 1 2 3 4, एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 3, इसकी कुछ प्रोबेबिलिटी आएगी। मैंने मान लो 10 बारी कॉइन उछाला तो एटलीस्ट एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगी। मैंने 20 बार कॉइन उछाला तो एक बार कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 up to 20 आएगी। तो ये जो भी प्रोबेबिलिटी आ रही हैं ये 90% से ज्यादा आए, तो ऑब्वियसली मैं जितनी बार ज्यादा उछालूंगा, जितनी बार मैं ज्यादा उछालूंगा मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी ना, बोलो बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। जैसे कि मैंने कहा कि 2 बारी उछाल रहा हूं कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, ये दोनों को जोड़ोगे तो आप 90% पे नहीं पहुंच पाओगे, है ना। आप चाहे से x को रैंडम वेरिएबल मान लो, तीन केस मान लो, 0 1 2, 1 पे निकाल लो, 2 पे निकाल लो, जोड़ लो, तो आपकी 90% ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। तो आपको 90% ज्यादा प्रोबेबिलिटी करनी है, तो आप कम से कम कितनी बार उछालो भाई, कम से कम 10 बार उछालने में काम हो जाएगा आपका, या कम से कम 20 बार उछालने में काम, जितनी ज्यादा बार उछालोगे उतनी बढ़ेगी। तो कोई ऐसे तो कहेगा नहीं कि सर उछालते जाओ, ऐसे तो ऑब्वियसली 90% ज्यादा आप ला सकते हो, आप 1 लाख बार उछाल लो, 2 लाख, कम से कम मिनिमम भाई आपका काम भी हो जाए, टाइम भी वेस्ट ना हो, और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, 90% से ज्यादा हो जाए। क्वेश्चन समझ में आया, अभी तो आया थोड़ा बहुत तो समझ में, ठीक है चलो आओ शीट पे खोलते हैं इसको। अब जो जो बातें क्लियर कर रहे हैं ध्यान से सुनना, सबसे पहली चीज तो है कि बर्नौली ट्रायल तो है, पर ऐसा बर्नौली ट्रायल है जिसके अंदर क्या मिसिंग है बता सकते हो, एनी मिसिंग है, एनी तो निकालना है,
और एन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ज्यादा से ज्यादा नहीं निकालनी है, एन की एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं निकालनी, मिनिमम वैल्यू निकालनी है। सो एन इज मिसिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट इट डाउन दैट एन इज मिसिंग एंड यू हैव टू फाइंड दिस मिनिमम वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। और हेड आना सक्सेस है, तो सक्सेस इज डिफाइंड एज ऑब्टेनिंग एन हेड, इसको कर दो जो जो चीज क्लियर होती जा रही है, ऑब्टेनिंग ए हेड वाइल टॉसिंग अ कॉइन, एक ट्रायल में हेड आने की प्रॉबिलिटी। और फेलियर इज डिफाइंड एज ऑब्टेनिंग, नॉट ऑब्टेनिंग ए हेड या ऑब्टेनिंग ए टेल, ठीक है। फ्रॉम हेयर ऑन द वैल्यू ऑफ पी इज 1/2 एंड ऑब्वियसली क्यू इज ऑल्सो 1/2, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, ओके अब उसने क्या कहा है, कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ कम से कम एक हेड को क्या कहोगे आप, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये आना चाहिए। और इसकी प्रोबेबिलिटी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी जो है वो मोर देन 90%, मोर देन को कैसे लिखते हो आप, ऐसे लिखते हो, किससे बड़ी होनी चाहिए 90%। अगर आपने ये चीज लिख दी तो आपने आधी जंग जीत ली, कौन सी चीज, ये चीज लिख दी ना आपने, और इसको आगे फिर सॉल्व करना का तरीका तो अभी बता देता हूं, बट अगर आपने ये चीज नहीं लिख पाया तो आप सोचते रहोगे क्या करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड शुड बी ग्रेटर देन व्हाट 90%। अब एक से ज्यादा को अपन शॉर्ट में लिखते हैं हमेशा, कम से कम 10-20 बार लिख दिया, बोलो खुशी क्या लिखा, एटलीस्ट वन को अपन शॉर्ट में क्या लिखते हैं, कैसे, केवल जीरो को हटाना है, एटलीस्ट एक का मतलब है केवल, भाई बिल्कुल टोटल फेलियर नहीं होना चाहिए, कम से कम एक बार तो सक्सेस होना ही चाहिए, भाई एक बार तो जीतू मैं, कई बार अपन कैसे कोई चीज करते हैं यार, कम से कम एक बार तो जीतू मैं, एक बार तो जीतू, कई बार जैसे अपन मान लो गेम जोन में जाते हैं, गेम जोन में नहीं कहीं अपन वो बहुत सारे गेम्स होते हैं जैसे वो फेंकना और ये करना, अपन करते जाते हैं करते जाते हैं, वो उनकी टेक्निक होती है अपन से पैसा लूटने की, एक बार और कर लो आपकी बार आएगा, तो अपन अपने माइंड में क्या होता है, एक बार तो जीतू कम से कम, उसी की वीडियो रिकॉर्डिंग बना लूंगा फिर बताऊंगा थोड़ा मैंने कितनी बार किया था, यही तो होता है आजकल, ओके। सो एक्स इज ग्रेटर देन 1 इज विल बी डिफाइंड एज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, यस और नो, इट शुड बी ग्रेटर देन 90% को मैं 0.9 लिख दूं या 9/10 लिख दूं, 9/10, बोलो कोई डाउट, नो। अब एक्स इक्वल टू 0, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 को डिफाइन कर दो ना, क्या होता है एन सी 0, एन तो पता नहीं है, 1/2 की पावर क्यू की पावर एन माइनस 0, एन माइनस 0 क्या होता है, एन ही होता है, और 1/2 की पावर 0, इट शुड बी ग्रेटर देन 9/10, क्लियर। एक एक स्टेप ध्यान से देखो, फूंक फूंक के कदम रखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ये लो मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, इसको एक्सपेंड किया है बस मैंने और बाकी सब कॉपी पेस्ट किया अभी तक, तो डन। 1 माइनस एन, मेरी बला से कुछ भी हो ना, 0 है नीचे, 1 होगा नहीं होगा, बोलो भाई, 10C0 भी 1, 9C0 भी 1, 8C0 भी 1, नीचे 0 है तो 1 तो होगा ही होगा, कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। इन टू, अब देखो यहाँ पे ये 1/2 की पावर 0 भी 1 है तो इट इज, और 1 की पावर n तो 1 ही रहता है, बोलो 1 की पावर n तो 1 ही रहता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर n, यहाँ तक क्लियर है, बोलो ग्रेटर देन 9/10, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो, 1 को उधर भेजो, जरा 1 को उधर भेजो, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको ये डिफ्रेंशिएटेड दिखाई दे, like this, हाँ चलो 1 को उधर भेजो, so it is like minus of 1 into 1/2 by 1 into, मैं ब्रैकेट ही क्यों लगाऊं फिर, माइनस 1 डिवाइडेड बाय, हाँ माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n ग्रेटर देन 9/10, तो उधर है ही सही, और 1 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 1, यहां तो कोई डाउट नहीं है, so it will be like माइनस 1 डिवाइड बाय 2 की पावर n ग्रेटर देन माइनस 1/10। अब माइनस साइन हटाने का रूल्स जानते हो, इनइक्वालिटी में इनइक्वालिटी बिकम्स चेंज, अगर आप इनइक्वालिटी के बोथ साइड्स को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो तो इनइक्वालिटी साइन बिकम्स रिवर्स्ड, याद है खुशी, 11th में सिखाया था और कुछ एक इसका झलकियां 12th में भी दिखाई दी थी, तो 1/2 की पावर n ग्रेटर देन 1/ ग्रेटर देन लेस देन कर दिया ना, पहले ग्रेटर देन था, पहले ग्रेटर देन था तो अभी लेस देन कर दिया,
वन बाई टेन, कोई डाउट यहां तक? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, तो टू की पावर एन इंटू वन इज टू की पावर एन लेस देन टेन की, टेन इंटू वन इज टेन। अब एन की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए क्या कह रहे हो? यस, रेसिप्रोकल किया एक तरीके से, रेसिप्रोकल में भी क्या होता है साइन चेंज हो जाता है। तो 1 बाय 2 की पावर n का रेसिप्रोकल किया 2 की पावर n, और 1 बाय 10 का रेसिप्रोकल किया 10। तो रेसिप्रोकल करते टाइम भी क्या हो जाता है बेटा, साइन चेंज हो जाता है। यस करेक्ट अजम्पशन। अब 2 की पावर n इक्वल टू 10, तो n की क्या ऐसी वैल्यू लगाई जाए ताकि 2 की पावर जो भी बने वो 10 से बड़ी बने, 10 से बड़ी बने। अब जैसे 2 की पावर 1 लगाऊं, 2 10 से बड़ा है क्या? नहीं। 2 की पावर 2 4 10 से बड़ा है क्या? नहीं। 2 की पावर 3 क्यूब 8 2 की पावर 4, और उसके बाद तो n कुछ भी लगाया जो बड़ा आएगा ही आएगा, लेकिन मिनिमम क्या लगाना है? 4। यानी कि आपको एक्सपेरिमेंट को कम से कार्य 4 बार करना है, आपको 90% मोर देन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, समझ में आ गई बात? 2 क्यूब 8 10 होता है। n की बड़ी तो कितनी भी वैल्यू लगा सकते हो ना, एक्सपेरिमेंट को आप 10 बार 20 बार अनफाइनाइट टाइम तो करते जाओ, आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, पर मिनिमम आपको 4 बार करना पड़ेगा। सो फ्रॉम हेयर ऑन आई कैन राइट इट एज कि n शुड बी मिनिमम, n शुड बी ग्रेटर देन 4, ये लिख सकता हूं मैं, n should be greater than 4, hence the experiment must be repeated, greater than less greater than equal to 4 आएगा, या फिर less greater than 3 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो ना। ठीक है, ऐसे कर दो greater than equal to 4, hence the experiment must be repeated at least 4 times, experiment must be repeated at least 4 times to get the desired result, at least 4 times to get the desired results, जो भी desired results है more than 90% probability के उसके लिए 4 बार करना है। देखो पीछे आंसर मतलब n की फॉर्म में है या क्या, greater than equal to 4। ठीक ठीक है, समझ आया खुशी? दोनों को अच्छे समझ में आ गया? तो करीब करीब 10 में से अपन ने 10 क्वेश्चन किए, मेरे हिसाब से 6 या 7 क्वेश्चन तो वही थे रद्द, बर्नौली ट्रायल तो है लेकिन यूज टू वाले क्वेश्चन जो अपन एक्सरसाइज में किए, कुछ 2 या 3 ही क्वेश्चन थे थोड़े से, जैसे एक तो वो सक्सेस बार बार चेंज करने वाला क्वेश्चन उसमें अपन कैसे, और एक ये वाला इससे पहले वाला भी अच्छा था, इससे पहले वाला ही था शायद, इससे पहले से पहले वाला, हाँ। तो ये 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब सेम। ठीक है, अब बचे हुए कितने क्वेश्चन बचते हैं? कल तो कर ही लेंगे अपन मोस्ट प्रोबेबली, ये बड़ा वाला तो 100% बेस थ्योरम होगा, बड़ा लेंथ देखते ही पता चलता है ना कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी साफ साफ दिख रहा है। चलो इजीली हो जाएंगे कल, बाकी कल करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।